मोदी सरकार ने कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान क्या किया। बिहार के कुछ क्रेडिट खोर नेताओं में क्रेडिट लेने की होड़ लग गई। कोई उनको अपना राजनीतिक गुरु बता रहा है तो कोई उनको अपना आदर्श बता रहा है, लेकिन सवाल तो ये है कि क्या सच में ये नेता उन्हें अपना आदर्श मानते हैं? लालू प्रसाद यादव। आज लालू प्रसाद यादव जिन कर्पूरी ठाकुर जी को अपना गुरु बता रहे हैं, कभी यही लालू उनको कपटी ठाकुर कहा करते थे। यहाँ तक बीमार हालत में जब उन्होंने यात्रा करने के लिए लालू की जीप मांगी तो ये कहते हुए मना कर दिया कि जीप में तेल नहीं है। अरे कर्पूरी ठाकुर जी वो नेता थे कि जब उनका निधन हुआ था तब उनके पास सिर्फ एक पुश्तैनी झोपड़ी थी, पक्का मकान तक नहीं था। और आज लालू जैसा भ्रष्टाचार की सजा याफ्ता अपराधी जो भ्रष्टाचार के केस में जेल की सजा काट कर आया है, जिसके बेटे पर भ्रष्टाचार के जरिए 150 करोड़ रुपए के घर खरीदने के आरोप हो, कैसे अपने आप को उनका चेला कहते हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार खुद को उन कर्पूरी ठाकुर जी का शिष्य बताते हैं जो परिवारवादी राजनीति के खिलाफ थे, जिन्होंने जीते जी अपने परिवार को राजनीति में आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन उनके चेले नीतीश कुमार खुद लालू जैसे परिवारवादी राजनीति के जनक की गोद में बैठकर सत्ता का मजा ले रहे हैं। इसी परिवारवादी राजनीति की वजह लालू का 9वीं फेल बेटा, जिसे कोई अपने ऑफिस में क्लर्क नहीं रखे, वो बिहार का उप मुख्यमंत्री बना बैठा है। फिर नीतीश कुमार किस मुंह से खुद को कर्पूरी ठाकुर जी का चेला बताते हैं? राहुल गांधी। कर्पूरी ठाकुर जी को सच्ची श्रद्धांजलि दिलाने की बात करने वाले राहुल गांधी किस मुंह से उनका नाम लेते हैं? जबकि राहुल गांधी की दादी ने आपातकाल के दौरान कर्पूरी ठाकुर का सामान उनके आवास से बाहर फेंकवा दिया था। यही नहीं, कर्पूरी ठाकुर जी तो ऐसे नेता थे जिनके पास पहनने के लिए ढंग का कुर्ता तक नहीं था। उनके फटे कुर्ते को देखकर जब चंद्रशेखर जैसे नेताओं ने दान के जरिए कुछ पैसे इकट्ठा कर कर्पूरी ठाकुर को दिए ताकि वो अपने लिए कुर्ता खरीदे, तो कर्पूरी ठाकुर जी ने कुर्ता खरीदने के बजाय उस पैसे को मुख्यमंत्री राहत कोष में डाल दिया। उनकी बात वो राहुल गांधी कर रहे हैं जो 40,000 से ज्यादा की कीमत वाला टी शर्ट पहनते हैं। अपनी ईमानदारी की वजह से अपने लिए छोटा सा घर या गाड़ी ना खरीद पाने वाले कर्पूरी ठाकुर की बात वो राहुल गांधी कर रहे हैं जो लगभग 2000 करोड़ के नेशनल हेराल्ड घोटाले में जमानत पर हैं। इन तीनों ही नेताओं को और उनकी पार्टी को जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे नेता का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेना चाहिए। यही कर्पूरी ठाकुर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।